हाय गाइस, सब लोग कैसे हो? एक्चुअली मैं आज लाइव पे नहीं आना चाहती थी, बिकॉज ऑफ आई कुछ कारण की वजह से मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए। मैं उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देने के लिए आई हूँ। मैं एक्चुअली मैं उन लोगों को डायरेक्ट मैसेज नहीं दे पा रही थी। मेरी तरह बहुत सारा लोग है, क्रॉस ड्रेसर है, फीमेल है, बहुत कुछ बनने की कोशिश में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बात है, जो लोग अभी 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 मैं बहुत देख रही हूँ क्रॉस ड्रेसर लोगों को, जिन लोगों के घर पे बीबी है, बच्चा है, ऑलरेडी एक नहीं दो 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 बच्चा हो चुका है। अरे भोसड़ी वाले, अगर क्रॉस ड्रेसिंग करना होता, अगर हम लोगों की तरह हिजड़ा बनना होता तो काहे शादी किए, काहे शादी किए? अगर साड़ी चूड़ी पहनना होता तो काहे शादी किए? किसी का जिंदगी काहे खराब करते हो? ठीक है, हाँ लवरा, अभी तो बहुत दिमाग चला हुआ है। मैं बहुत लोगों की मैसेज देखा, साड़ी पहन रहे हो, ठीक है, छुप छुप के सब लोग पहनते, ओके डन। अभी हार्मोन का टेबलेट भी खाना होता है, हाँ लैंड भी कटवाना पड़ेगा, ठीक है, बॉब्स भी बनाना पड़ेगा, बाल भी बनाना पड़ेगा, तो काहे किस लिए शादी किए थे? ठीक है, तुम क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे हो, छुप छुप के कर रहे हो, ओके डन, चलो कोई बात नहीं, करते मन में इच्छा है। मैं भी सपोर्ट करती हूँ सबको, मैं भी सपोर्ट कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, सबका मन में एक अच्छा एक इच्छा होती है, और सबका एक पर्सनल चीज होती है जिसमें लोग क्रॉस ड्रेसिंग करना चाहते हैं, जिसमें लोग सुंदर सजना चाहते हैं। अरे यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करो अच्छे से मन से करो। बहुत मेरा बार बार कॉल आ जा रही है, इसलिए आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत अच्छे से करो, सजो धजो, फोटो उठाओ, सब करो, बट इसका मतलब ये नहीं, मेरा इच्छा इतना द्विगुण तिगुण बढ़ गया है कि मैं वो सब छोड़ छाड़ के अभी मैं हार्मोन का दवाई पीऊं, अपनी साड़ी को परमानेंटली पहनना चाहूं। तो जब शादी किए तो लड़की का क्या प्रदोष था? कोई प्रॉब्लम था नहीं ना? तो काहे शादी किए, काहे बच्चा पैदा किए? एक बच्चा पैदा किए, उसका भविष्य क्या? किसी का एज है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा, किसी का बच्चे का एज है 7 साल, किसी के बच्चे का एज है 3 साल, किसी के बच्चा का एज है 14 साल। तो क्या जरूरत थी शादी करके ये करने का? अगर परमानेंटली बनना है तो तब क्यों नहीं बने? आप काहे बनो, क्रॉस ड्रेसिंग करो, ठीक है, सजो गुजो सब करो, हाँ सब करो। ये तुम्हारे गाल में मच्छर काट। देखो किंगशुक विश्वास, एक बात बोलूं, एक अच्छा बात बोलूं, ठीक है, तो अच्छा लगे तो सुनना, अगर नहीं लगे तो निकल जाना, ठीक है। इसमें सबके लाइफ की बात है, ठीक है। जब मैं शादी किया, मुझे चूत मारने की, गांड मारने की बहुत इच्छा हुई, ठीक है, जाके एक लड़की पकड़ के शादी करके लेके आई, चलो सही बात है। मुझे क्रॉसिंग करने का मन है, मैंने क्रॉसिंग भी किया, चलो सही बात है। इसके लिए मुझे चेंज होना नहीं पड़ेगा। हाँ मुझे इच्छा होती है क्रॉसिंग करने का, मुझे इच्छा होती है लड़की बनने का, ये बचपन से शौक था, बहुत लोग सीक्रेटली करता है, चलो ओके डन, आई सपोर्ट यू, ओके डन, कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं, अपने बच्चे को छोड़ दूं, उस लोगों का उन लोगों का क्या दोष है? मैं अगर ऑल क्रॉस ड्रेसर को एक ही बात पूछूं, जो लोग ये सब करने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों को अगर पूछूं, तो उन लोगों का क्या दोष था? तुमसे शादी करना, तुम्हारे बच्चे का माँ बनना? वो एक लड़की, जो लड़की आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सेवा किया, तुम्हारे मम्मी पापा को देखा, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ठीक है, तुम्हारा बच्चे का माँ बना, सब कुछ किया, ठीक है, उनका क्या दोष था? कोई दोष था? कोई दोष नहीं था। तुम्हारा दोष है, तुम तो क्यों तब शादी किए? तब क्या है नहीं सोचा, हाँ मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारा लोग है जो बिना शादी के रह सकता है, बहुत सारा लोग है जो बिना शादी के रहता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे घर पे भी बहुत सारा प्रेशर किया था, मैंने डायरेक्टली बोल दिया नहीं करूंगी, तो ओके डन, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं किसी के जीवन लेके खिला करो। अभी अभी मुझे एक मैसेज आया,
इसलिए मैंने लाइव पे आया, मुझे बोला है सुमो ना मुझे एक हेल्प करो ना। हाँ मैंने बोला क्या बोलो ना, मैं ना हार्मोन का दवाई ले रही हूँ, मुझे ना पूरा चेंज होना है। मैंने उसको डायरेक्टली पूछा तुम्हारा बीबी का क्या होगा, ठीक है तो क्या बोलते ना, चुप कर, तुम्हारा बीबी का क्या होगा। तो मैंने उसको बोला हाँ वही बात है, इसके लिए तो मैं नहीं करवा, बट मैं हार्मोन लेना चाहती हूँ, मैं ना पूरा चेंज होना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चला जाना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने उसको एक ही बात बोला, ठीक है तुम्हारा बीबी का क्या दोष था, तुम्हारा बीबी का क्या दोष था उसमें, ना कोई दोष नहीं था, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है, अभी अभी जस्ट नाउ मुझे मैसेज पे बात हो रही थी, वो मेरे पास सजने के लिए आ रही है, ठीक है, उसका घर है दिल्ली, दिल्ली से मेरे पास आ रही है सजने के लिए। आई डोंट नो मुझे लाइव देख के वो नहीं आएगी कि आएगी, वॉट एवर, बट इंसान ये कि नाते मुझे हर एक क्रॉस ड्रेसर का एक ही मैसेज देना है, जो लोग शादीशुदा हो, ठीक है, तो उन लोगों को लिए एक ही बात बोलूंगी, जो लोग शादीशुदा हो, ठीक है, तो क्रॉस ड्रेसिंग करो 100% गुड, सीक्रेटली करो या ओपनली करो, जो भी करो। बहुत सारा लोग है, मेरा बहुत सारा अच्छा दोस्त है जिन लोगों का बीबी को पता है करता है, ठीक है, हाँ चलो करो, कोई बात नहीं, बट किसी की जिंदगी को लेके मत खेलो, ठीक है, तुम उसको छोड़ो मत, ठीक है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बीबी है, सब है, ठीक है, उन लोगों का कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के अंदर, एक बार देखो खुल के, ठीक है। क्रॉस ड्रेसिंग मैं भी करती हूँ, सब लोग क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, मैं तो ऑल टाइम ड्रेस पहन के रहती हूँ। कल जन्माष्टमी है, मैं घर का पूजा कर रही थी, पूजा करने की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने आज रेड कलर का ब्लाउज एंड ब्लैक कलर का साड़ी पहनी थी, बट मुझे अचानक से ऐसे एक मैसेज आया, ठीक है, कि मेरा दिमाग ही घूम गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ठीक है, मैं सबको दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत लव करती हूँ, ठीक है, मैं सबको एक ही बात बोल दूँ, सब मेरा सिस्टर है, बहुत सब मेरा ब्रदर है, जो भी बोलो, ठीक है, सब मेरा अपना ही होता है, ठीक है, चाहे दूर हो चाहे जहाँ भी हो, ठीक है, बट मैं ये सपोर्ट नहीं कर सकता कि मेरा बीबी को छोड़ के मैं अभी चली जाऊंगी ड्रेस करने। देख प्रिया, एक बात बोलो, बुरा मत मान, हर एक चीज को ना अपने ऊपर मत ले, ओके, और सेकेंड जो बात है, तू जो सोचता है वो भी मत कर, ठीक है, तेरे घर पे भी बीबी है, बच्चा है, ठीक है, उनको भी मत छोड़, ठीक है। मैं तेरा नाम भी नहीं बोला था, बट तू आके लाइफ में अपना अप्रिशिएट दे रहा है तो मुझे बोलना पड़ा, ठीक है, बट मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा था, मैं किसी और के बारे में बोल रहा था, ठीक है। तो जो भी हो, जिसका मतलब क्या बोलते उसको, जिसके नाम पे जो का जो जैसा करता है, क्या ऐसे कुछ होता है, छोड़ो बकवास की बात है, बट मैं सबको एक ही बात बोलूंगी, लाइफ एक बार मिला है, हाँ इंजॉय करो, ओके, इंजॉय करो, घूमो फिरो, मजा करो, सब करो, बट जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, उसको पूरा करो, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए तुमने शादी किया था, उसको पूरा करने के लिए आज बच्चा पैदा किया, जब बच्चा पैदा किया क्यों किया, अगर तुमको नहीं निभाना था, अगर तुमको बीबी पसंद नहीं था तो क्यों बीबी किए, नहीं करना था तो किए, तो किए, उसको निभाओ, अच्छे से निभाओ एंड अच्छे से रहो, मगर कुछ भी नहीं। हाँ, ये लोगों का एक ही मकसद हो गया, ये पहले तो सक्सेसफुल बनो, ठीक है, काम करो अच्छे से, फिर धीरे धीरे खुद को तैयार करो, 100% कुछ ना कुछ मिलेगी। मैं हूँ प्रिया, प्रिया को तो मैं बहुत ही सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, 100% प्रिया को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, गुस्सा क्यों ना हूँ, गुस्सा क्यों ना हूँ, ठीक है, अगर कोई किसी का जिंदगी लेके खराब करने की कोशिश करेगा तो 100% वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब इंसान है, ठीक है। इसके मतलब ये नहीं कि हम एक क्रॉस ड्रेसर बन गए, कि किन्नर बन गए, कि सीमेल बन गए, वट एवर जो भी बन गए, ठीक है, बनने से पहले तो हमको प्रेजेंट पास्ट में जो किए है उसका भरपाई करना होगा ना, अगर हम उसका भरपाई नहीं करेंगे अभी कैसे आएंगे। तो 100% मैं दिल से सभी को एक बोलूंगा, मेरी बात को कोई भी बुरा मत मानिए, ठीक है, मैं कोई भी गलत बात नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ना मुझे कोई गलत बात बोलने की इच्छा है, ठीक है, बस एक ही बात बोलूंगी, जो लोग क्रॉस ड्रेसर सोच रही हो, जिन लोगों का बीबी बच्चा है, जो लोग सोच रही हो, ठीक है, कि अभी मैं पूरा का पूरा चेंज हो जाऊंगी, बीबी को छोड़ दूंगी, बच्चे को छोड़ दूंगी, उन लोगों के लिए एक ही मैसेज मैं दूंगी, ठीक है, तुम छोड़ने के बाद तुम एक पुरुष बन के उन लोगों के शादी किए थे,
ठीक है, बच्चा भी एक पुरुष बन के किए, ठीक है, पिता बने, पिता का जो मान है उसको पूरा करो, पति का जो मान है उसको पूरा करो, ठीक है, तुम क्रॉस ड्रेसिंग सीक्रेटली करो, मेरी तरफ से एक ही मैसेज है, ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की जिंदगी है, मैं सिर्फ बोलने वाला हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है मेकअप करना, मैं मेकअप करवाती हूँ लड़की को, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप सभी देखे मेरे पेज में, मेरे प्रोफाइल पे, ठीक है, मेरा काम है मेकअप करना, ठीक है, मैं अपने आप को संवारती हूँ, ठीक है, मैं लोगों को सजाती हूँ, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा किसी को पर्सनली जाके दिमाग के अंदर बोल नहीं सकता कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये नहीं कर सकता, बट मुझे जितना सा फीलिंग्स होता है, मुझे जितना लगता है, ठीक है, मैं उतना ही बोला, ठीक है, अगर मेरी बात को किसी क्रॉस ड्रेसर या किसी भी इंसान को अगर बुरा लगा तो मैं कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ, ठीक है, बट जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है, हकीकत को कोई बदल नहीं सकता, ठीक है, और हकीकत में जियो, ख्वाबों में मत जियो, ठीक है, लाइफ में एक अच्छा दोस्त बनाओ, एक दोस्त के साथ रहो, और जब बीबी है, बच्चे हैं, उन लोगों को परवरिश करो, अच्छे जगह लाओ, ठीक है, और मन से सजो, बहुत 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 खुश रहो, कल जन्माष्टमी है, अच्छे से पूजा करो, घर पे रहो, अभी तो कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन है, और बहुत 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 खुश रहो, ओके, मैं बहुत सच में आज बहुत गुस्सा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम मैं बताऊंगी, प्रिया, ठीक है, वो भी आई थिंक बहकावे में है, मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैंने उसको बहुत बार कोशिश की बोलने का, बट वो सुनता नहीं है, ठीक है, प्रिया तू भी सुन ले, ठीक है, और बाकी लोगों को तो मैं मैसेज देती रहूँगी, ठीक है, कि ऐसा मत करो, किसी को ज़िंदगी के लिए खराब मत करो, मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ और रहूँगी और हमेशा रहती हूँ, ये तो सब लोगों को पता है, और गॉड के पास मेरे लिए ऑब्वियसली आप लोग दुआ करेंगे। अरे ना, आमी ग्रूमिंग करिनि, आमी पूजोर काज करछिलाम रे मोना, आमार बाड़ीते गोपाल आछे ना, कालके जन्माष्टमी, तो आमी समस्त किछु चेंज कराच्छिलाम, ऑब्वियसली आमी शाड़ी पड़ेछिलाम, एकदम बांगालियाना शाड़ी, ओके आमी देखाच्छि शाड़ीटा, তো হঠাৎ করে আমার কাছে একটা মেসেজ আসে, তারপরে আমি লাইভে আসলাম, তো ভুলভাল কাজ প্লিজ কেউ করো না, একটু ধৈর্য ধরো, অবভিয়াসলি সাকসেস পাবে, অ্যান্ড আমি তো আছি, ঠিক আছে, তো 100% খুব 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 ভালো হবে, আর প্লিজ 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 এক বাত বলুঙ্গি, किसी को छोड़ के, किसी को बद्दुआ लेके बड़ा नहीं हो सकते हम लोग, दुआ लो, ठीक है, अच्छा काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगी, अच्छा सीखो, अच्छा रिजल्ट मिलेगी, अच्छा मैसेज दो तो अच्छा फीडबैक आएगी, और एक्चुअली थॉट जो होता है ना, अच्छा कुछ करोगे तो अच्छा ही कुछ होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है बहुत ख़राब होती है, ठीक है, मेरे साथ भी बहुत ख़राब हुआ है, मेरे साथ सबसे बड़ा हादसा हुआ है इस साल, मेरा टू सिस्टर है, मुझे बोलने में कोई शक्ल नहीं आ रही है, मेरा टू सिस्टर है, मैंने इस साल राखी नहीं बांधी, मतलब मेरा सिस्टर लोग मुझे घर में नहीं बुलाया, तो एज वेल मुझे उससे बहुत दुख हुआ था कि मेरे सिस्टर लोग मुझे नहीं बुलाया, तो कोई बात नहीं, होता है, बहुत दुख हुआ था कि हमारा सिस्टर हमको नहीं बुलाया, ठीक है, मुझे भी सब लोग राखी बांध रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे, मिठाई खा रहे थे, राखी बांध रहे थे, बट एज वेल मैं नहीं बांध पाई, तो मुझे बहुत दुख हुई थी उस टाइम, हाँ मुझे ख़राब भी लगती है, मैंने भी सैक्रीफाइस किए हैं बहुत लाइफ में, अभी भी करती हूँ, 6 साल से सैक्रीफाइस करते जा रही हूँ, ठीक है, तो एक दिन में, दो दिन में कुछ भी नहीं होता है, सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता है, तो मैं तो फैमिली से रिजेक्टेड हुई हूँ, ठीक है, मेरा दीदी सर तो नहीं बुलाया, हेलो हेलो हेलो, आसे बस साउंड साउंड आसे, आह
আই ডোন্ট নো সাউন্ড আসছে কি না, কেউ কিছু বললে আমি বুঝতে পারবো সাউন্ড আসছে কি না। তো সবাইকে একটা সব লোক একই মেসেজ দুঙ্গি, সব খুশ রাখো, দিমাগ মে জিতনা ভি সব গন্দগি হে নিকালো, ঠিক হে, আচ্ছে সে জীবন বিতাও, ঠিক হে, খুশ রাখো, ঠিক হে, বস এই। অ্যান্ড মেরে সাথ তো বহুত কুছ হাদসা হতা হি রহতা হে ডেলি কা ডেলি, মে তো বহুত বার ঘর সে নিকাল দিয়া হে মুঝে, ঠিক হে, মার ভি খায়া হু বহুত, আভি ভি খাতি হু, ঠিক হে, আর মেরে সাথ বহুত কুছ হুয়া হে, এক দিন মে কুছ নেই হতা হে, বহুত কুছ হোগা, ঠিক হে, বাট জো লোক শাদিশুদা হো উনকা পতি ধর্ম নিভাও, পাপা কা ধর্ম নিভাও, আর বচ্চে কো বড়া করো, ঠিক হে, আর ক্রস ড্রেসিং করনা হে তো মে হু অবভিয়াসলি সাপোর্ট করুঙ্গি, আর সিক্রেটলি করো, অবভিয়াসলি কন্ট্যাক্ট করো, মে হু অবভিয়াসলি সবকো সাপোর্ট করতে হো, আপ লোগো কো সাপোর্ট করুঙ্গি, ঠিক হে, আর 100% আচ্ছে সে রাহো, ঠিক হে, আর রাখি কি জো বাত হে মেনে বোলা থা তো ও তো মেরা অ্যাজ আ ব্যাড লাক হে, তকদির মে নহীন থা ইস সাল রাখি, তো অ্যাজ সুন অ্যাজ মেরা দিদি নে নহীন বুলায়া মুঝে, কিউকি আই থিঙ্ক মে ভাই সে বহন বন গই হুঁ, তো রাখি পহন কে ক্যা ফায়দা, এই সোচ কে মে কাটা মতলব হটা দিয়ে দিন কো, তো উস টাইম মুঝে বহুত খারাপ লাগ রাহা থা জব সব লোক স্ট্যাটাস দে রহে থে রাখি হে, তো মেনে বহুত রোয়া, মেনে সোচা থা লাইফ পে আউঙ্গি, বাট হোয়াট এভার ক্যা ফায়দা, মেরা তো কোই নহীন হে, ঠিক হে, অনলি ফর মা হে, ঠিক হে, আর কোই নহীন হে, চলো কই বাত নেই, আপ লোক হো উসসে জ্যাদা আর কুছ ভি নেই চাইয়ে, ইয়াহ পর মেরা বহুত আচ্ছা ফ্রেন্ড হে, ঠিক হে, তো আর কুছ নেই চাইয়ে, আর প্লিজ প্লিজ মেরে লিয়ে দোয়া করনা, আর আগর হকিকত মে মেরি বাত কো আচ্ছি লাগে, ঠিক হে, হ্যাঁ মে বহুত গুসসে সে বোল দিয়া, হকিকত মে মেরি বাত আচ্ছি রহে তো লাইক এন্ড শেয়ার কর দেনা, আর মেরি ফটো মে বহুত সারা লাইক কমেন্ট করনা বন্ধ হো গই হে, তো প্লিজ 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 লাইক কমেন্ট কর দেনা, ওকে, কাল মিলতে হ্যাঁ ফটো লেকে জন্মাষ্টমী কা, ওকে বাই গাইস, হ্যাপি জন্মাষ্টমী।